झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा राज्य के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सूचना दी जा रही है कि इस वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श और सुझाव लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार आगे कोई निर्णय लेगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री झारखंड में कोरोना संक्रमण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसे नियंत्रित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 की जांच में तेजी लाने और अस्पतालों में संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए पहले भी कई निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित मरीजों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से हालात को नियंत्रित करने के लिए जल्दी कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि राज्य में पहले से ही कुछ नियम लागू किए गए हैं, जिसमें रात 8 बजे दुकानों को बंद कर लेना है।